तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? बिल्कुल फाइन सोजल। लास्ट लेक्चर में किया क्या था हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था। सबको समझ में आ गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? डन। सुजन एक बार डाउट क्लास में पूछना, कल रिपीट करने के लिए, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा, है ना? सारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब सुनो, आज कुछ बच्चे नए भी ऐड हुए होंगे, है ना? वैसे मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स जो है अपलोड कर दिए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है? वो स्टूडेंट जो है उनको जरूर देख लें पहले, ठीक है? जो पुराने लेक्चर्स हैं आज लगाइए आप क्लास, ठीक है? कम आएगा समझ, ज्यादा आएगा, जैसा भी आएगा, जस्ट सी हाउ हमारी क्लास कैसे चलती है, ठीक है? अच्छा स्टार्ट करें बात। अभी हम जो है एक अगले मॉडल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगला मॉडल जो है हमारा इस टॉपिक का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला मॉडल है, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन हम बोर्स एटॉमिक मॉडल में ऐसे नहीं बढ़ेंगे। हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए सबसे पहले जो है एक दो चीजें देखते हैं, ठीक है? नहीं, आपने लोअर क्लास में पढ़ा था, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन अब हम बहुत डिटेल में इसको करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात करें, हम सबसे पहले बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। भाई हमें अगले मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था, उसने कहा था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या था? उसने कहा था कि एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? ये मॉडल भी तो बढ़िया है। ऐसे ही कहा था ना इसने, तो इस मॉडल में बिल्कुल अभी स्टार्ट किया रिद्या, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आखिर कमी क्या है इस मॉडल में। तो जो सबसे बड़ी कमी थी उसकी बात करते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया? आखिर स्टेबिलिटी में इतनी प्रॉब्लम क्या थी? स्टेबिलिटी में देखो, एक्चुअल में हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जस्ट गिव मी वन मिनट।
अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि हर्ट्ज ने जो है, मेरी आवाज आ रही है आपको, क्लियर आ रही है? हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा कि जब भी एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हम किसी नेगेटिव चार्ज को घुमाते हैं, सुन लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, जब भी हम इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड किसी नेगेटिव चार्ज को घुमाते हैं, या उल्टा भी करते हैं, नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव भी घुमाएं, ऐसे जब सर्कुलर पाथ में घुमाने की ट्राई करते हैं, तो यहां से जो है लाइट एमिट होती है, लाइट एमिट होती है, इज इट ओके? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया कि उसने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल ली और एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉल ले ली, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, लेकिन उसने अट्रैक्ट नहीं होने दिया, उसने जो घुमा दिया उसके चारों तरफ, तो जब जो है उसने घुमाया तो उसने देखा कि ये जो है ये लगातार जो है लाइट एमिट कर रहा है, इज इट ओके? घूमते हुए जो है लगातार जो है ये क्या कर रहा है, रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, समझ आ रही है बात, ठीक है ना? ओके, तो अब ये जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, हर्ट्ज ने तो बड़े चार्जेस के साथ ये किया था, बड़ा चार्ज लिया, ठीक है, ऐसे ही जैसे लोहे का ब्लॉक ले लिया, ये भी लोहे का ब्लॉक लिया, इसके चारों तरफ घुमाया, ये कोई, ये भी छोटा नहीं है, आप इसको भी बड़ा ले सकते हैं, ठीक है ना? पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव को घुमाएंगे या नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव को घुमाएंगे तो जो है लगातार लाइट एमिट होती है, ठीक है? अब हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये हर्ट्ज को दिख रहा था कि चिंगारियां निकल रही है, लाइट निकल रही है, ठीक है? तो इसलिए हर्ट्ज गलत नहीं था क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये हुआ था, लेकिन हर्ट्ज के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है बोर ने ऑब्जेक्शन लगा दिया रदरफोर्ड पर कि भैया अगर हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में यह हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जब नेगेटिव घूमता है तो लगातार लाइट एमिट होती है, लाइट का एमिट होना मतलब एनर्जी का एमिट होना, तो अगर लगातार जो है एनर्जी एमिट होती है तो तुम्हारे एटम में भी तो ऐसा ही हो रहा है भाई। बोर ने कहा कि तुम्हारे एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में ही तो घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं, सही है सर? नो, अगर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है सो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को भी तो एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, ठीक है? अब सुनो, अगर घूमते हुआ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज करेगा, अगर मान लो ये लाइट एमिट करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई, अगर वो रिलीज करेगा एनर्जी सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी ना भाई, कहीं ना कहीं से तो निकलेगी वो, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, सुनते जाइए। इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, हम साथ साथ में उसके बारे में भी सोच लें कि जैसे आप जानते हैं कि मान लो हमने एक पत्थर लिया यहां पर, इस पत्थर को हमने यहां से पकड़ रखा है मान लो, और ये रबर बैंड है, क्या है ये, ठीक है, ये पत्थर है, ये रबर बैंड है, और यहां से हम घुमा रहे हैं इसको, कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ में हम घुमा रहे हैं, समझ रहे हैं? आप जितने जोर से इसको घुमाओगे पत्थर बाहर की तरफ जाएगा, सही बात है, रबर बैंड उतना स्ट्रेच होगा, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही है। ऐसा हम करते हैं, पत्थर के साथ धागे के साथ पत्थर बांधेंगे तो पत्थर जो घूमने लगेगा, लेकिन मैंने रबर बैंड के साथ बांधा, आप जितने जोर से घुमाओगे पत्थर को, पत्थर मतलब ये सर्कल का रेडियस उतना बड़ा होता जाएगा, मतलब आपने पढ़ा है लोअर क्लास में कि एक बाहर जाने की फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं, कि पत्थर के बाहर जाने की टेंडेंसी हो जाएगी, है ना, आप जानते हैं। चलो एक्सपेरिमेंट ये तो समझ में आ गया कि पत्थर बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन
अब सुनो, यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी तो एक बैंड की तरह ही फोर्स से जुड़े हुए हैं ना, भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इनके बीच में भी तो एक फोर्स है, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा जोर से, तब तक तो वो बाहर है, और जैसे जैसे आप इस पत्थर को अगर आप घुमाना कम कर दोगे तो क्या होगा, पत्थर नजदीक आ जाएगा ना, सेंटर से नजदीक आ जाएगा ना पत्थर, जोर से घुमाओगे तो सेंटर से दूर, कम घुमाओगे तो सेंटर के नजदीक। सही बात कह रहा हूं, सबको समझ में आ रही है, नए पुराने सबको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो सुनो, अब भाई अगर ये हमारा घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट क्या था, लाइट इज एमिटेड कंटिन्यूअसली, लाइट जो है उसने कहा लगातार एमिट होगी, तो अगर ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी लाइट को लगातार एमिट करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कम हो जाएगी, होगी कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है ही कौन सी, वो घूम रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसका घूमना जो है स्लो हो जाएगा, और जब स्लो होगा तो वो इस पाथ पे ना चल के अब एनर्जी रिलीज करने के बाद थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, आएगा अंदर के नहीं, आएगा अंदर के नहीं, ठीक है, पूर्वी को समझ आ रहा है, ठीक है, लक्ष्य सही कह रहा है, तो थोड़ा अंदर आ जाएगा, लेकिन यहां पर भी ये एनर्जी रिलीज करेगा तो अगेन थोड़ा और अंदर आ जाएगा। तो बेटा जी ऐसे अंदर आते आते जो है ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, स्पाइरल पाथ, ऐसे, सही है बात। जब ये अंदर आता जाएगा तो ये जो है स्पाइरल पाथ फॉलो कर लेगा और जो है फाइनली न्यूक्लियस के साथ जो है टकरा जाएगा, और जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की उस हिसाब से ये घटना जो है विद इन 10^-8 सेकेंड्स जो है इसको कोलैप्स कर देना चाहिए न्यूक्लियस के साथ, सही है बात। अब हर्ट्ज ने तो ये एक्सपेरिमेंट से निकाली थी बात, तो जो एक्सपेरिमेंटली जो बात प्रूवन है उसको रदरफोर्ड डिनाई तो नहीं कर पाया, तो बोर ने जब रदरफोर्ड से पूछा भाई तेरे मॉडल में इलेक्ट्रॉन तो एक सर्कुलर पाथ में तो घूम ही नहीं सकता, क्योंकि जो तुम कह रहे हो कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उसको एनर्जी कहां से मिलती है, तो जब घूम रहा है तो उसकी एनर्जी लूज होनी चाहिए, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट कह रहा है। सो, तुम्हारा एटम तो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि स्पाइरल पाथ में 10^-8 सेकेंड्स में जो है इसको न्यूक्लियस के साथ टकरा के खत्म हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई, और बेचारे रदरफोर्ड के पास इस चीज का आंसर नहीं था, तो इसलिए जो है रदरफोर्ड के मॉडल का सबसे पहला फेलियर ये था, और मेन भी यही था। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आ गई आपको समझ? बढ़िया से समझ में आ गई। नाइस, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, नोट कर लिया आपने? नोट करो जल्दी से, नकुल भाई जल्दी से नोट कर ले। करो। अच्छा, आप लोग मेरे को एक बात बताओ, हो सकता है फिजिक्स वाले सर ने भी आपसे बात की हो,
ये देखो कई लोग लेट आए हैं, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से नहीं किया है। हम चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए लगाई जाएं, जीरो क्लास से लगाई जाएं, ठीक है, तो बेटर हो जाएगा, है ना, अगर हम उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दें। हर्षदीप कह रही है बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ कि टाइम कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, किस टाइम पे लगा सकते हैं। राजा मनान कह रहे, राजा मनान यार तेरी कॉल आती है मैं उठा नहीं पाता, सॉरी। सब अटेंड कर सकते हैं पर मुझे टाइम बताओ पहले। उर्वी कह रही है 1 बजे। अच्छा स्कूल में छुट्टियां हो गई, और स्कूल में छुट्टियां हो गई, एक मिनट मुझे ये बताओ, अगर स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, अगर स्कूल में छुट्टी हो गई है, अगर हम क्या 5 से 11 कोई मना कर रहा है मेरे को, 12 से 1 लगा दें, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, स्कूल में छुट्टियां नहीं हुई, शिवांग को नहीं हुई, हाँ तो 12 बजे लगा देंगे। और चलो 12 से होगी, वो तो 1-2 दिन की बात है, 12 ठीक है, दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया अभी छुट्टियां होने का, कौन सा स्कूल है नहीं कर रहा है। सब स्कूलों को करनी पड़ेगी भाई, एपीएस दमाना ताला लगवा दें उधर, दे दे कंप्लेंट। अच्छा कालू चक में नहीं पड़ी। कितने बजे तक होती है क्लास आपकी, एपीएस वालों की कितने बजे तक क्लास होती है। आयुष्मान कह रहा है 1 बजे तक। अच्छा 1:20 तक, ओके। और आपका इवनिंग का डाउट सेशन कितने बजे तक लगता है। टू टू थ्री, ओके। तो क्या करें बोलो, बताओ बताओ सॉल्यूशन बताओ। डाउट सेशन में ही लगा दें कुछ दिन के लिए रिवीजन क्लास, डाउट सेशन के टाइम पे ही लगा दें कुछ टाइम, कुछ दिन। राजा मनान तू भी कंसेंट दे, तू मना कर रहा है।
सौम्या क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मॉड्यूल के डाउट्स हैं इसलिए जो है। अच्छा अच्छा आपके ये बताओ एक हफ्ते में आपके केमिस्ट्री के कितने डाउट सेशंस आते हैं? कुछ ना कुछ करते हैं, मैं करता हूं अब ठीक है। ये बताओ सुनो, अगर हम शाम को 8 से 9 लगाएं, 8 से 9 चलो यार मेरे को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आप तो अलग अलग ही बातें बोल रहे हो, कोई कुछ कोई कुछ, चलो वी विल फाइंड सम सोल्यूशन ठीक है। मतलब सोल्यूशन क्या, मुझे लगता है ये किया जा सकता है, सुन लो कि जैसे 2 से 3 जो है डाउट सेशन हुआ, सो 3 से 4 हम रिवीजन क्लास लगा सकते हैं, नहीं चलेगा? लक्ष्य मना कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं लगाएंगे, काफी लोग मना कर रहे हैं। हाँ सही बात है, 2 से 7 तक हो जाएगा, डन डन कोई बात नहीं। अच्छा सुने आप, अब हम दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है, दूसरी हमें लिखनी होती है क्योंकि सो इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो अगला मॉडल है ना उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन होगी काफी डिटेल में, हम 1-2 लेक्चर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे लगाएंगे तो उसमें मैं बता दूंगा, अभी आप सिर्फ ये लिख लीजिए कि इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इज इट ओके? ठीक है, क्या होता है ये, इसकी बात मैं खुद करूंगा, डिटेल में करूंगा ठीक है, 1-2 लेक्चर लगाएंगे इसमें बोर्स मॉडल में तब करेंगे ठीक है, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया लेकिन लिखना होता है बोर्ड में तो ठीक है। मैंने अभी 2 लिमिटेशंस आपको बता दी, डन आगे बढ़े। आगे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये हम क्यों कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनको करने का पर्पस क्या है, एक्चुअली वी आर मेकिंग अवर सेल्फ रेडी फॉर बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल को समझने के लिए एक तो हमें ये क्वांटाइजेशन जरूरी थी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दैट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और दूसरा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हमने कर ली, और दूसरी बात हमें बोर्स मॉडल को समझने के लिए पहले चार्ज को भी समझना है। अच्छा सबसे पहले मुझे बताइए दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कितना होता है? That of इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन, बिल्कुल सही, लक्ष्य ने सही बात कही कि सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के पास होगा और सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटोन के पास होगा, दैट मीन्स जो स्मॉलेस्ट चार्ज है दैट इज इक्वल टू ई, मतलब
is 1.6 10 raise power minus 19. अगर प्लस सी भी हो सकता है माइनस ई भी हो सकता है. इज इट ओके? इज द सिंबल गिवन टू दैट वैल्यू 1.6 10 रेज पर माइनस 19 कूल्स. ठीक है, अगर ये प्लस में है तो प्रोटॉन का है, माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन का है. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, अब दूसरा पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. अब मामला यह है कि चार्ज just take a minute. I know I was muted. Actually, there was one student. Okay, she was not able to join. Let me see. ठीक है. हाँ, call आया था. ठीक है. वो बच्चे का ही आया था. कोई बच्चा जो है join नहीं कर पा रहा है. ठीक है. इसलिए जो है सुनिए. So charge is quantized. अब सुनो इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितना भी charge है, जैसे energy is quantized. दुनिया में जितना भी charge है, वो इस value का multiple ही होगा, है ना? जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्रोटॉन के चार्ज का मल्टीपल ही होगा, होगा कि नहीं? सो दैट मींस जो q है दैट इज n टाइम्स e, एंड n कैन बी इंटीग्रल वैल्यू 1, 2, 3 टिल इनफिनिटी. इज इट ओके? समझ आ रही है आपको बात, है ना भाई? अगर हमने चार्ज की एक यूनिट कर दी कि भाई इलेक्ट्रॉन, हाँ राजा मनान को समझ नहीं आया, सुनो राजा मनान जी एक बात सोचो. अगर आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, मान लो आपके पास क्वाइन ही 5 रुपए की है, 5-5 रुपए के सिक्के हैं, तो आपके पास इधर 5 रुपए हो सकते हैं या 10 रुपए या 15 रुपए, आपके पास 12 रुपए नहीं हो सकते. मतलब जो भी होगा वो मल्टीपल ऑफ दोज क्वाइंस ही होगा. सही बात है? आप चाहे कितने भी क्वाइंस ले लो, 5 का मल्टीपल ही होगा. सो आइदर यू कैन हैव 1 क्वाइन 2 क्वाइन 3 क्वाइन ऐसे. ठीक है, वैसे ही अगर चार्ज की क्वाइन ये है, E इज द क्वाइन ऑफ द चार्ज, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, आपके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता ना आपके पास. ठीक है, सो इसलिए दुनिया में जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल ही होगा. इज इट ओके? इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, कई बार वो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल. आपको वैल्यू दे देंगे 1.6 10 रे से माइनस 19, 3.2 10 रे से माइनस 19, 5 10 रे से माइनस 19, देन 4.8 10 रे से माइनस 19. तो 5 वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि वो 1.6 का मल्टीपल नहीं है. समझ आ रही बात? तो दुनिया में जो भी चार्ज होगा वो 1.6 10 रे से माइनस 19 का मल्टीपल ही होगा. एक बात तो हम ये याद रखें. सुनते जाइए आप. ओके, सो दैट मींस जो नेगेटिव चार्ज है वो माइनस 1.6 10 रे से माइनस 19, एंड पॉजिटिव चार्ज मैंने कहा कि ये जो E हो सकता है, E कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो प्लस 1.6 इंटू 10 रे से माइनस 19 है, और अगर नेगेटिव है तो माइनस 1.6 इंटू 10 रे से माइनस 19 कूलम्स है. सही बात है? सबको ये बात समझ में आ रही है? अब लेकिन
फिजिक्स में आपने वेक्टर वगैरह कर रहे हो आप? तो Q इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, Q जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सुने, मैं इसको मिटा सकता हूं जो हमने बोर्ड पे लिखा कि नहीं? चलो, यहां से थर्ड थिंग ये है कि अगर मान लो जैसे दो चार्जेस हैं, इट इज Q1, इट इज Q2, दो चार्जेस हैं मान लो, तो जो इनकी जो फोर्स है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जब भी दो चार्जेस को आप जो है साथ में रखोगे तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, ठीक है, वो जो है जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है उसी के अलोंग होगी। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू हैं तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगी। एंड माइनस क्यू एंड माइनस क्यू है तो क्या होगा? तो भी रिपल्शन होगी। लेकिन अगर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है या माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कुलमीत को यह बात समझ नहीं आई। कुलमीत, तुम जानते होंगे कि सिमिलर चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिसिमिलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो जानते हो। तो कुलमीत, यही मैं कह रहा हूं कि अगर दो सिमिलर है, प्लस प्लस है तो रिपल्शन होगी, माइनस माइनस होगी तो रिपल्शन होगी, लेकिन प्लस माइनस और माइनस प्लस में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। सही है बात? अच्छा, Q1 Q2 समझ नहीं आया। देखो, Q1 Q2 की बात जो कुलमीत मैं कह रहा हूं कि जब भी दो चार्जेस होंगे, चाहे वो सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, उनके बीच की जो फोर्स होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी। मतलब जो फोर्स हम बताएंगे ना कि वो सीधे सीधे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे तो सीधे एक दूसरे के सामने आएंगे, ऐसे घूम के नहीं आएंगे। मतलब उनकी जो फोर्स की जो लाइन है वो स्ट्रेट है। आप समझ रहे हैं? वो आमने सामने सीधे खींच रहे हैं एक दूसरे को, ये मतलब। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़े। मुझे लगता है नए बच्चों को भी ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं, वो सबसे जरूरी है, दैट इज चार्जेस के बारे में, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। देखो, कूलम्स लॉ क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं। देखो, कूलम्स लॉ ये कहता है कि जब भी दो चार्जेस हैं, सुन लो, ये दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। क्या आप समझ रहे हैं? ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलम्स लॉ ये कहता है
कि इनके बीच की जो फोर्स होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कूलम्स लॉ ये कहता है कि जब भी आप दो चार्जेस को जो है, बिल्कुल बिल्कुल सही नकुल ने ये कर लिया, ठीक है, कि जब भी आप दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डेफिनेशन को लिख लेते हैं यहां पे। According to this law, the force between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Can you understand the definition? राजा मनान को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो यहां पर मैंने बताया वही यहां पे लिख दिया। मैंने कहा दिलजोत जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब ये दो जो चार्जेस हैं, चाहे ये प्लस हो माइनस हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे ये प्लस फाइव है माइनस थ्री है, तो फाइव इंटू थ्री ही लेना है। प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इज इट ओके? सो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दें, सो इट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और जो k की वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप ऐसा सच रख लें इसको, ठीक है। k को हम ऐसे भी लिखते हैं, k इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। आप लिख लें, बाद में बात करेंगे इसकी, अपने को सिर्फ इससे मतलब है k इज दिस वैल्यू, ये आप लिख लें बस जो है, ठीक है, इसकी बात जो है अलग से करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा जी, इसको हटाएंगे तो k आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे ना इसको, करते हो ना आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो k आता है ना कांस्टेंट। हाँ, इसका नाम है अक्षय जी, इसको बोलते हैं एप्साइलन नॉट, एप्साइलन नॉट। यार आप सीधे सीधे के की वैल्यू 9 इंटू 10 रिस्पॉन 9 याद रखो,
अपने को बस उससे मतलब है। ये मैंने लिखवा दिया आगे के नॉलेज के लिए, ठीक है। फिजिक्स विजिक्स में आपको नॉलेज जरूरत पड़ेगी, अभी अपने को जरूरत नहीं पड़नी, और पड़ेगी तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी अपने को सिर्फ इससे मतलब है, ये लिखवा दिया मैंने, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में भी आप करोगे तो आपने फार्मूला किया होगा, कम से कम आप ये जान लोगे कि भाई हाँ हमने पढ़ा हुआ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात मैं और कर दूं, जैसे सुन लीजिए, देर इज अनदर थिंग। यहीं पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, सुन लो। 10 रेज पर 9 के आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो उसका यूनिट है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द यूनिट, ठीक है। एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है आज, जो बच्चे नए भी आए हैं आज, ये सिर्फ हम फंडामेंटल कर रहे हैं जो फिजिक्स का है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स मॉडल में अलग से करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सुन लें आप। जो पोटेंशियल एनर्जी है, मुझे लगता है हम सीधे सीधे याद रख लें तो इट्स बेटर कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, आर स्क्वायर की जगह आर आ गया। क्योंकि होता क्या है, जो एनर्जी होती है ना वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, एनर्जी इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो जब मैं फोर्स ये है इंटू डिस्टेंस करूंगा, आर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आर आर कट जाएंगे, सही बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, इज इट ओके? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया। सुन लो, मैं ये कह रहा हूं, अपना कूलम्स लॉ कहता है भी अगर दो चार्जेस हैं सिमिलर डिसिमिलर जैसे भी हों, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो रिपल्सिव, वो हमें पता लग जाएगा, वो तो देखने से ही लग जाएगा। अगर डिसिमिलर होंगे तो अट्रैक्टिव है, सिमिलर है तो रिपल्सिव है। उसमें वो नहीं, कूलम्स लॉ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव की नहीं बात बताता, वो बताता है फोर्स कितनी। तो वो कह रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू मैग्नीट्यूड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब हमने ये किया, इन दोनों को कंबाइन किया, तो हमारे पास ये आ गया। फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट बनाया तो ये आ गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि दोनों में पोटेंशियल एनर्जी, जैसे सुन लो, जैसे आपने ग्रेविटेशनल, यू नो पोटेंशियल एनर्जी, मुझे लगता है आपने फार्मूला पढ़ रखा है कहीं पे, एमजीएच, एमजीएच पढ़ा है आप लोगों ने कि पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होता है, ऐसा पढ़ा है? हाँ, कई लोगों ने पढ़ा है, अक्षित ने पढ़ा है, ठीक है, अनजान नक नाइन्थ में था, ठीक है ना। तो सुनो, सुन लो, ऐसे में थॉट दे देता हूं आपको। जैसे मान लो धरती से ऊपर जो है कोई बॉल है, उस पे एमजीएच लगाते हो आप, क्योंकि अर्थ जो है उस बॉल को अट्रैक्ट कर रही है ना। जब भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी, तभी जो है एमजीएच काम में आएगा। लेकिन जो दो बॉडीज में जब भी फोर्स होगी तो पोटेंशियल एनर्जी काम में आती है। जब भी दो बॉडीज में अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी तो जो है पोटेंशियल एनर्जी यूज में आती है। तो अर्थ और उस बॉल में जिसमें आप एमजीएच लगा रहे हो, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहां पे कूलम्स लॉ में इन दोनों चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है। तो जब भी दो बॉडीज के बीच में स्टैटिक जो फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो मूवमेंट के कारण होती है वो काइनेटिक एनर्जी है ना।
अगर कोई चीज फेंक रहे हैं हम, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन दो चीजें, दो बॉल्स खड़ी हैं, ठीक है, और वो चार्ज्ड हैं, मान लो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो उनके बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और ग्रेविटेशनल वाली हम MGH से करते हैं। इज इट ओके? ठीक है, सो अब सुनो, अब पता क्या है यार, ऐसा करते हैं आज, इतना ही करते हैं, ठीक है, आज मैं ज्यादा नहीं करा रहा, ठीक है, नए बच्चे भी कई आए हैं, हमने आज जो भी किया वो कुछ अलग सी ही बात की, ठीक है, सो अगली क्लास से मैं बोर्स मॉडल स्टार्ट करूंगा। मैं इसलिए रेस्ट ले रहा हूं, इसलिए गैप ले रहा हूं, ताकि कल तक आप जो है इनको पचा लो, ये जो कॉन्सेप्ट है इनको पचा लो, ठीक है ना, कूलम्स लॉ पढ़ लो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लो, ताकि मैं नए सिरे से बोर्स मॉडल स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि बोर्स मॉडल जबरदस्त है। तो मैं ये नहीं करना चाहता अभी थोड़ी देर 15-20 मिनट बोर्स मॉडल कराऊं, फिर उसके बाद ये, मैं चाहता हूं पूरा लेक्चर हम दें उसमें फिर, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक 3-4 लेक्चर्स, बोर मॉडल को जबरदस्त करना है हमें, ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया, बोर्स मॉडल समझ में आ गया तो टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है, तो इसलिए आज इतना है, चलेगा। लक्ष्य, अभी आप लोग खुद कंफ्यूज हो कि कब एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करनी है, तो मैं डिस्कशन करूंगा टीचर्स के साथ, फिर लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि सब लोग अलग अलग टाइम बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय।